क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 62 बाय द्वंद्व योग मेथड। द्वंद्व योग मेथड क्या होता है? डी ए डी ए बी डी बी। डी ए होता है ए स्क्वायर, ए बी होता है 2ab और डी बी होता है बी स्क्वायर। देखिए हमारा नंबर है 62, इसमें 6 हो गया ए, 2 हो गया बी, तो 6 स्क्वायर 36, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 24, 2 स्क्वायर तो हो गया 36 24 4, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, यहां भी सिंगल डिजिट रहेगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 36 प्लस 2 38 4, सो 3844 इज द स्क्वायर ऑफ 62। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5 x माइनस 6। तो x स्क्वायर इसको ओपन कर देते हैं हम, प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। x स्क्वायर कैंसिल, इसको इससे लिए ये 14x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 68 एंड 119। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो छोटा नंबर है वो डिवाइजर, जो बड़ा है वो डिविडेंड। 68 और 119, तो 1 जा 68 आगे आ जाएगा, ये डिविडेंड बन जाएगा, फिर 1 जा अभी 51 आ गया आके, 17 3 जा 51, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डिवाइजर क्या बन जाता है? HCF। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30। तो हम टेबल से देखेंगे 10 60 कितना होता है, रूट 3 प्लस कॉस 30 रूट 3 बाय 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो हमारा आंसर आ गया 12 प्लस 9 बाय 4, 21 बाय 4 क्या हो गया हमारा आंसर। इफ साइन 2a इज कॉस a माइनस 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए साइन और कॉस इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्या प्रॉपर्टी लगती है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 2a cos a माइनस 18, cos से cos कैंसिल, 90 माइनस 2a इज a माइनस 18, तो 108 इज इक्वल टू 3a, हमारा a क्या आ गया 36 डिग्रीज। इसमें दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, तो sin 90 माइनस थीटा या फिर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ रोलिंग सर्कल इन अ प्लेन। तो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ रोलिंग सर्कल क्या होता है? साइक्लॉइड। आपको सिंपल एक वन वर्ड आंसर लिखना है, साइक्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ इन विच एबी इज इक्वल टू 1.6 एंड डी इज इक्वल टू 2.4, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। देखिए जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके एरिया के रेशियो उनकी साइड पे डिपेंड करते हैं, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ इज इक्वल टू एबी बाय डीई का होल स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 2.4 का होल स्क्वायर, व्हिच इज 2/3 का होल स्क्वायर, 4:9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्वेश्चन नंबर 8, टू प्लेयर्स ए एंड बी plays a chess match, it is given that probability of winning by A is 5/6, find the probability of winning the match by B। देखिए दो A और B मैच खेल रहे हैं चेस का, A और B
दोनों के मिलाकर जीतने के चांसेस क्या है? वन। अगर अकेले ए के चांस 5/6 हैं तो बी के क्या हो गए? 1 - 5/6 विच इज इक्वल टू 1/6। क्लियर? इफ फेयर ऑफ अ कार फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹20 एंड आफ्टर 1 किलोमीटर इज 11, फाइंड द टोटल फेयर फॉर 15 किलोमीटर्स। आपने 15 किलोमीटर की यात्रा करी, पहले किलोमीटर के आपने ₹20 दिए, उसके बाद ₹11 के हिसाब से भरे, तो आपने टोटल कितने रुपए दिए? टोटल फेयर पहले किलोमीटर का 20 प्लस 15 में से एक काम दे चुके हैं, कितने का देंगे? 14 का। किसके हिसाब से? 11 के हिसाब से। तो 20 + 154 इज इक्वल टू ₹174 आपका टोटल फेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड। अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए हमें हाइट दे रखी है 75 मीटर्स। हमें यहां से कोई इसको फ्लाई कर रहा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 90 है, ये 60 है। तो हमें परपेंडिकुलर देखा है, हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है? साइन में। साइन 60 √3/2, परपेंडिकुलर 75, हाइट हम हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 150 √3 विच इज 50 √3 meters। क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द क्यूब ऑफ 42 बाय यूजिंग उपसूत्रा अनुपूर्णय। तो इसको कैसे करते हैं? देखिए 4 और 2, तो पहले आप 4 का क्यूब निकालें। अब इसमें हम 4 की डिग्रीज कम करते जाएंगे और 2 की बढ़ाते जाएंगे। क्यूब था क्या, बन जाएगा स्क्वायर 2 की पावर 1, फिर बन जाएगा पावर 1 2 की पावर 2, और लास्ट में सिर्फ 2 बच जाएगा उसका क्यूब। 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 2 जा 32, 4 4 जा 16, और 2 का क्यूब 8 को आप 08 ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका डबल इसमें ऐड करना है। 32 का डबल 64 कितना हुआ? 96। इसमें भी इसका डबल ऐड करना है, कितना हुआ? 48 08 64। इन सबको आप ऐड कर लीजिए। सबसे पहले 08, फिर 48, फिर 96, फिर 64, तो ये आ गया 8 8 0, 1 गया ऊपर, 4 1, 7 4 0 8 8 हो गया 42 का क्यूब। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट 7 √5 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम रूट 5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। इसके स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा। लेट रूट 5 बी रेशनल। आप सबसे पहले जिसको इरेशनल प्रूव करना है उसको रेशनल लेट कर लीजिए। तो मैंने क्या करा, लेट रूट 5 बी रेशनल। अगर ये रेशनल है, इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रूट 5 इज p बाय q, तो p आ गया रूट 5 q। अब हम वापस लेट करेंगे, लेट q इज इक्वल टू रूट 5 c, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 c स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 q स्क्वायर। Q स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? 5C स्क्वायर के। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 5C² व्हिच इज 25C². अब हम देख सकते हैं कि P और Q दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर है C, लेकिन ये दोनों कोप्राइम होते हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। वी नो दैट P एंड Q आर कोप्राइम। इसका मतलब जो हमने लेट किया है वो गलत है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो आपने माना है उसका उल्टा। रूट फाइव को आपने रेशनल माना है तो वो क्या है? इरेशनल।
और अगर रूट फाइव इरेशनल है तो सेवन रूट फाइव इज ऑल्सो इरेशनल, क्यों? बिकॉज रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 70 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आपको गिवन है 22/7, रेडियस हमें गिवन है 9, थीटा हमें गिवन है 70/360। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ गया 99/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, हाइट 21, सी एस ए 924, इसको कैंसिल कीजिए आप, तो रेडियस क्या आ गया? 924/132, तो 132 सेवेंजा इज 924, तो आर आ गया आपका 770 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 125 किलोमीटर एंड देयर आर 8 ट्रैफिक सिग्नल्स इन बिटवीन ए एंड बी। इफ अ कार में 50 किलोमीटर पर आर स्पीड रीचेस पॉइंट बी क्रॉसिंग ऑल ग्रीन सिग्नल्स इन 2 hours 30 minutes, बट ऑन अदर डेज ड्यू टू हैवी ट्रॉफिक इट हैपन्स टू स्टॉप एज फॉलोज। फर्स्ट ट्रैफिक सिग्नल 1, सेकेंड ट्रैफिक सिग्नल 2, अप टू 8 ट्रैफिक सिग्नल्स 8 मिनट्स। कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन बाय द कार इफ इट फॉलोज द टोटल ट्रैफिक सिग्नल्स। आम दिनों में जब ट्रैफिक नहीं होता तो 50 की स्पीड से गाड़ी 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाती है, लेकिन जब ट्रैफिक हैवी होता है तो उसे पहले ट्रैफिक लाइट पर 1 मिनट रुकना पड़ता है, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, और ऐसे ही 8वें पे 8 मिनट। तो बताइए टोटल टाइम उसको कितना लगता है जब ट्रैफिक हो। तो हमारी सीरीज क्या बन गई? 1, 2, 3, 8 तक। तो हमारा ए है 1, डी है 1, एल है 8, एन है 8। हम क्या निकालेंगे? इनका सम। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। n क्या है? 8 सिग्नल्स हैं, पहले सिग्नल पे 1 मिनट, आखिरी सिग्नल पे 8 मिनट। 8 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 4 36 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना लगता था? वैसे 2 घंटे 30 मिनट, अब हमें 36 मिनट्स और लग रहे हैं, टोटल टाइम कितना लग रहा है हमको? 3 hours 6 minutes। क्लियर? सिंपल। हमने क्योंकि एपी बन रही थी तो हमने सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाया, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एल इन द केस ऑफ लास्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व द इक्वेशन 1/(x-2) प्लस 2/(x-1) इज इक्वल टू 6/(x) वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, 2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इन क्वेश्चंस में हमेशा एलसीएम लेते हैं, तो आइए कंप्लीट एलसीएम लेते हैं इसका, x-2, x-1 और x। x-2 किससे मल्टीप्लाई होगा? x और x-1 से। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? x-2 और x से। और 6 होगा x-1 और x-2 से। जब भी आप कंप्लीट एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो x into x, x square माइनस एक्स प्लस 2x square माइनस 4x इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में x square minus 3x plus 2। तो ये हो गया 3x square minus 5x इज इक्वल टू 6x square माइनस 18x
प्लस 12, इसको हम इधर ले आए अगर, तो ये 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। 36 के ऐसे फैक्टर करने कि ऐड करने पर 13 आए, तो क्या हो जाएंगे, 9 फोर जा 3x कॉमन x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन x माइनस 3, तो 3x माइनस 4 और x माइनस 3, तो हमारा x क्या आ गया, 4/3, 3। सिंपली फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 2 एंड 101। तो 2 और 101 के बीच में जो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं वो है 5, 10, 15 अप टू 100। तो ये भी एपी बन रहा है, इसका सम निकालना है हमको। तो हमारा ए है 5, डी है 5, एल है 100। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि टर्म्स कितनी है। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, 100 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 5, तो एन आ जाएगा आपका 20। अब आप सम निकाल लीजिए, एन अपॉन 2 ए प्लस एल, एन है 20, ए 5, एल 100, 100 प्लस 5 105 इंटू 10 1050। सिंपली आपको एग्जामिन करना है कि एपी बन रहा है, तो हम एपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, हमने n इज इक्वल टू 20 निकाला बाय जनरल फॉर्म का फॉर्मूले से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द फिनिश्ड टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ द टावर हैव टू बी इंक्रीज्ड सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बिकम्स 60 डिग्री। ये ऐसा कह रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर, उससे टावर, ये एक टावर है 120 मीटर की दूरी पर जब है तो 30 डिग्री बना रहा है, लेकिन अगर उसी पॉइंट से वो 60 डिग्री बनाए तो टावर की कितनी हाइट इंक्रीज होगी, ये 30 है ये 60, ये 120 ही है। तो पहले टावर की हाइट क्या थी, पहले हम उससे इस डायग्राम से वो निकाल लेते हैं। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, 1/√3 इज इक्वल टू पी बाय बी क्या है, 120। तो पहले की हाइट आ गई हमारी 120/√3। अब आइए टोटल हाइट निकाल लेते हैं, tan 60 इज इक्वल टू पी बाय बी, √3 इज इक्वल टू टोटल हाइट को h मान लो आप, अपॉन b 120, तो h इज इक्वल टू 120√3। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा हमको, h माइनस p 120√3 माइनस 120 अपॉन रूट थ्री, टेकिंग LCM 360 माइनस 120 विच इज 240/√3। आप रेशनलाइज करें इसको √3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 80√3 मीटर्स आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। सपोज हम कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी एफ, ये हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल, मतलब ए बी अपॉन डी ई के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, किसके इक्वल है, वन के।
ए बी इज इक्वल टू डी ई, पी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं तो बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 20। इन फिगर ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड सी डी ई आर पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन सेमी सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी डी प्लस बी डी। आप ये फिगर को देखिए तो ए सी डी मतलब ये वाला एंगल और बी ई डी, मैं इस लाइन और इस लाइन को ज्वाइन करता हूं तो ये हमारा ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। रीजन एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90, सो एंगल ए सी बी इज 90। और जैसे ही मैं इसको लॉक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180। तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी 180, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आइए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, तो ये बन जाएगा एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 180 प्लस 90। तो बी सी डी प्लस ए सी बी क्या हो गया, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ई डी विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 21। सर्कल विद सेंटर टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरनली इन सच अ वे दैट इट डिवाइड्स ए बी इन 3:1 एंड ए बी इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल वेयर ओ ए इज 15। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, सर्कल बना लेते हैं, वह क्वाड्रिलेटरल को टच करता है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, such that it divides AB in the ratio 3:1. OA हमारे को गिवन है 15। हमसे पूछा गया है रेडियस निकालिए, हमें ये फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं AB जो है ये टेंजेंट है, ये क्या बनाता है 90 डिग्री बनाता है, तो OA स्क्वायर इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओ सी हमारा रेडियस है तो आर लेते हैं इसको, ओ ए हमें गिवन है 15 और ए सी है इसका 3/4 पार्ट, 15 का 3/4, 12 का 3/4 पार्ट हो गया 9, तो ए बी है हमारे पास 9, तो 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 225 माइनस 81 इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 144, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर?